पांचवा कहा था कि किस माने आपको दिखाना है कि जो जल के विभिन्न अवस्था का नाम लिखना है। 25 डिग्री पर जल किस अवस्था में पाया जाता है, आ 0 डिग्री पर किस अवस्था में पाया जाता है, 100 डिग्री पर। सुनो, 25 डिग्री पर द्रव अवस्था में जी। पानी के रूप में पानी पाया जाता है। अगर आप 0 डिग्री करोगे ना, जैसे फ्रिज में पानी रखते हो तो जम के बर्फ हो जाता है, तो 0 डिग्री पर बर्फ में हो जाएगा और 100 डिग्री पर भाप बन के उड़ जाएगा। देखो पांचवा का पहला है ना, पहला पे लिख लो, क्या लिखे हो? जल 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ तो लिख लो, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, पहला हो गया। सेकेंड करा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो लिख लो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस का मतलब बर्फ, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्यों 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्वेश्चन मार्क हो गया, माने ओकरा बाद से प्रश्न समाप्त हो गया है, इसलिए लिख रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में पाया जाता है। वाष्प अवस्था में पाया जाता है। मजा आ रहा है खूब। 0 डिग्री पर बर्फ बन जाएगा ठोस अवस्था में, आ 25 लो, 50 लो, 60 लो, सब द्रव अवस्था में पाया जाता है, आ 100 डिग्री पर लगभग तो भाप में। तो पांचवा कंप्लीट लिखा जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। 6 कह रहा है कि पुष्टि हेतु कारण दे कि जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है। बताओ, याद करो कमरे का ताप कितना होता है, 30 से 35 डिग्री। रूम है 30 से 35, मोबाइल देखो ना अभी उस पर 30 से 35 दिखा रहा है, तो इसीलिए कमरे के ताप पर जल का होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, कहोगे लोहे के गलनांक बहुत अधिक होता है, उसको गलने के लिए 100 से अधिक टेम्परेचर चाहिए, जबकि कमरे का जो ताप होता है 30 से कितना होता है, 35 होता है, इसीलिए कमरे के ताप पर अलमारी किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस। अलमारी नहीं देखते हो, बेंच ठोस है जी। जितना बेंच देख रहे हो अलमारी वो सब ठोस होता है। लिख लो उत्तर में, देखो पांचवा का पहला लिखो, छठवां का पहला लिखो। कमरा का ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कहा गया कमरे का ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हो गया बाबू, सेकेंड लिखो। लोहे का अलमारी अलमारी का गलना बहुत अधिक होता है, जबकि कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, इसलिए कमरे के ताप पर अलमारी ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए कमरे के ताप पर अलमारी ठोस
अवस्था में पाया जाता है। इसलिए कमरे के ताप अलमारी ठोस अवस्था में पाया जाता है। अरे बहुत सिंपल सवाल है भाई। 273 के पर परत को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान एक और दिया है, तीसरा दिया है, नहीं दो को दिया, दो को, चलो दो को पहले लिखो, दो को दिया है, दो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल किसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता की प्रभाव अधिक क्यों होती है? चलो जल्दी लिखो क्वेश्चन नंबर, हम लोग आपका लगाने वाले हैं भाई 7। तो 7 कह रहा है, सुनो, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल किसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो कहोगे सर 273 केल्विन पर पानी को कणों का अपेक्षा बर्फ के कणों का ऊर्जा कम होता है, इसलिए हमें बर्फ से अधिक ठंडा महसूस होता है। लिखो दो सौ तिहत्तर केल्विन ताप पर बर्फ को ठंडा करने पर इसका उष्मा कम होता है, इसलिए हमें ठंडक का अनुभव अधिक होता है। जबकि 273 केल्विन पर जल को ठंडा करने पर इसका कणों का ऊर्जा अधिक होता है, मान ऊष्मा लिख लेना, ऊष्मा अधिक होता है, इसलिए ठंडक का कम अनुभव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब उत्तर आ जाओ 8। देखो प्रश्न 8 कह रहा है, इसमें उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होगी? तो लिख लो, उबलते हुए जल और भाप में जलन की प्रभाव सबसे अधिक भाप से होता है। लिख लो, देखो भाप से जलन की प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि उबलते हुए जल से जलन की प्रवृत्ति कम होती है। क्या पढ़ते हो? सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, भाप फेंक दोगे तो एकदम झुकर जाएगा। भाप का मतलब होता है ना, उबलते हुए जल में तनिक कम आदमी जलता है लेकिन भाप से अधिक जलता है। भाप से उंगली जल जाती है, उंगली जल जाता है, हाथ जल जाता है, रोटी पकाते क्या नहीं जल जाता है, ये ही जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9th लास्ट आपका चले, निम्नलिखित में ए बी सी डी ई एफ की पूरी अवस्था को छायांकित किया गया, उसका नाम आपको लिख करके दिखाना है कि किसको क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9th हमारे पास है, कह रहा देखो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9th में ए बी सी डी का मान आपसे पूछा जा रहा है, समझ रहे? क्वेश्चन जो 9th है इसमें ए बी सी डी ई और कुछ दिया है
और यह कि अवस्था परिवर्तन बताना है। कब बताना है? अवस्था परिवर्तन। ठीक है, देखो यहाँ ठोस लिखा, यहाँ से गया, ठीक है, और यहाँ ई लिखा, यहाँ से गया, और यहाँ गैस लिखा, ये तीर दिखा रहे हैं। फिर यहाँ से आया एक रेखा, इसके पास है, और यहाँ यफ लिख दिया गया, और तीर ऐसे दिखाया गया। फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर एक बार इस तरीके से इसको ये लिखा, नीचे आपका डी लिखा है, और यहाँ पर द्रव लिख दिया बीच में। फिर आपको इस तरीके से दिखाया है बी, फिर इस तरीके से दिखाया सी, ठीक है। ए भैया रुको, इतना हुआ, अब क्या होगा जरा देखो, इतना दे दिया है, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा है उष्मा में वृद्धि तथा दाब, वो मैंने सब लिख दिया। तब तुमको पहचान करके बताना है कि जो ए होगा ए को क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखना है, फिर जो बी होगा उसको क्या कहेंगे, फिर जो सी होगा उसको क्या कहेंगे, और फिर जो डी होगा इसको क्या कहेंगे, जो ई होगा इसको क्या कहेंगे, जब एफ होगा इसको क्या कहेंगे। बोलो बोलो फटाके। अच्छा बताओ, सुनो इधर, ये कहाँ है? यहाँ है। देखो रहे थे, देखो ब्लैक बोर्ड पर यार, देखो इधर से बताते हैं, समझे, हमारे पास क्या है, ए है, देख लिए। अब बताओ जब ठोस को गर्म कर रहे हो तो किसमें बदल रहे हैं? द्रव में। तो ठोस को गर्म करोगे, द्रव बदलेगा, तो क्या कहते हैं बताओ, फट दे, क्या कहेंगे? गलनांक। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि ठोस को आप गर्म कर रहे, देखो अभी अभियान में द्रव को गर्म कर रहे, देखो तीन ही बता रहे कि गर्म हो रहा है, द्रव को गर्म किया तो किसमें बदल गया? गैस में। तो द्रव को गर्म करते गैस में बदलता, क्या कहते हैं? क्वथनांक। सी पर आओ, सी कहाँ है? यहाँ पर। गैस को ठंडा किया तो द्रव में बदला, तो गैस को ठंडा करते द्रव में बदलता है, तो उसको क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे? हाँ, द्रव को ठंडा किए ठोस में बदल गया, उसको क्या कहेंगे? हिमांक। मतलब बर्फ बा, द्रव बा, तू ठंडा कर ठोस में बदल दी बर्फ में, हिमांक। ये आ जाओ यहाँ पर, ठोस को गर्म करो सीधे गैस में बदला, इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? हाँ, और यहाँ देखो गैस को ठंडा किए सीधे किस में बदल गया? ठोस में। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं द्रवीकरण। क्या कहेंगे? एक लिखो पहले, गलनांक। गलनांक बी को लिखो, द्रव को गर्म करके किस में बदले? गैस में। तो इसको लिख लो क्वथनांक। सी है, गैस को ठंडा करके द्रव में बदल रहे हो, तो संघनन। और डी है, द्रव को ठंडा करके, देखो ये ठंडा है, नीचे जो भी लिख रहे हैं ना, ठंडा है। और डी को क्या कहोगे? द्रव को ठंडा करके ठोस में बदल रहे ना, हिमांक। और इसको क्या कहोगे? ई को, ई को गर्म करे ऊर्ध्वपातन। आजकल क्या द्रवीकरण हो गया, काम करता, बता दो क्या? समाप्त सेवा आज का।